जसपाल सिंह। अच्छा, क्या वाक्या है? सर, जब मैं 9 बजे से निकला दंडित यात्रा करता हुआ, तो लगभग 2:30 बजे मैं देवी पुल से आगे पहुंच गया। हम 3 बंदे थे और बाकी 5 सपोर्ट में थे। तो गाड़ी एकदम से हमारे ऊपर चढ़ाने की कोशिश की गई। किसकी गाड़ी थी? यही गाड़ी थी जो सामने खड़ी आने वाली गाड़ी थी। यानी पुलिस प्रशासन की? पुलिस लिखा हुआ? हाँ जी सर। क्या करा उन्होंने? उन्होंने गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, फिर हमने लाइट से इशारा दिया, हमने साइड से चलो। हमें पता नहीं था कि ये पुलिस की गाड़ी है। तो उन्होंने आते ही हमारे डंडे छोड़ के, हमारे डंडे छीन के हम ही पे बरसाए। सिर्फ एक बंदे ने नहीं बरसाए जो गाड़ी चला रहे थे। उन्होंने पूछा नहीं आपको क्यों मार रहे हैं? उन्होंने कोई रीजन नहीं करा। ये कह रहे थे लूट करने आए हो, तुम क्या करने आए हो? कह रहे थे इतने टाइम तो वृंदावन हम भी नहीं जाता कोई। अच्छा, 8 साल का बच्चा था तो उनको लग रहा कि आप लूट करने आए हो। हाँ जी। आप एक और भी आरोप कोई लगा रहे हैं पुलिस पर? क्या सर? क्या जो नवाज सर हमने अपने गांव में नवाज नहीं पढ़ने दी थी, क्योंकि इलीगल तरीके से हो रही थी। क्योंकि मस्जिद नहीं है, उसमें नया काम होना नहीं है, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, नया काम वर्जित है वहाँ पर। तो हमने मना किया, तो इस विरोध में इन लोगों ने मतलब झल भुन के हम पर मतलब 10,000 रुपए देने के बाद हमें पिटवाया है सर। मतलब पुलिस प्रशासन को रुपए दिया? हाँ जी, 10,000 रुपए गए हैं। हो सकता है हमें जान से भी मरवा दे, कल को जान से भी मरवा दे सर हमें। इसमें कोई दो राय नहीं है। कौन है, किस पे सही पुलिस वाले? तो कोई उसमें पुलिस वाला मिला हुआ है क्या? हाँ, पुलिस वाले ने 10,000 रुपए दिए, वो मिला हुआ है। उनका नाम बताओ ना। रिश्तेदार है खान सर? बता रहे रिश्तेदार है खान सर, जो 112 नंबर पे रहते हैं। यामीन के रिश्तेदार है कोई? यामीन। हाँ जी, वो उस गाड़ी में वो भी मौजूद थे। हाँ जी, मौजूद थे, वो भी गाड़ी में मौजूद थे। 100 नंबर वाले, वो 100 नंबर पे रहते थे। हाँ, आज गाड़ी में थे। हाँ जी, मुक्के बोई है। दिनांक 1/2 अक्टूबर की रात्रि में थाना क्षेत्र आंवला के एक गांव से कुछ दर्शनार्थी मनोना धाम में श्री खाटू श्याम जी के मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे। उनका ये कहना है कि रात्रि में कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। उनकी शिकायत पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा इनमें एक सब इंस्पेक्टर और 4 आरक्षियों को अभद्र व्यवहार के दृष्टिगत निलंबित कर दिया गया है।